दुनिया हैरान है कि इतने बरस अली ने गुजार दिए और फिर इस मंजिल पर क्यों आ गए। तो बड़े बड़े दानिश्वरों ने कहा, अली चंद दिनों के लिए इसलिए आए इस मंजिल पर ताकि दुनिया को सिखाए हुकूमत की कैसे जाती है। आज अक़वामे मुत्तहदा चीख रहा है और इस्लामी 46 मुल्कों से कह रहा है अपने अपने मुल्क में निजाम अली लाओ, तब दहशतगर्दी खत्म होगी। बात समझ में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती। इसका निजाम, उसका निजाम, इसका निजाम, उसका निजाम। वो ईसाई था, वो ईसाई था, नाम उसका जॉर्ज जुर्दाक था। उसने बैठ कर कमरा बंद कर अली पर एक किताब लिखी, अली की जिंदगी पर एक किताब लिखी। ऐसी किताब के जो इस्लामी किताबों की फिक्र से हट कर थी। किताब लिखकर पब्लिशर के पास गया, जाहिर है लेबनान में रहता था। अपने ईसाई पब्लिशरों से जो किताबें छापते थे उनसे कहा, ये किताब छाप दो। पब्लिशरों ने पूछा, किस मौजू पर है? कहा, हमने अली पर लिखी है। कहा, वो तो मुसलमानों के खलीफा हैं, तुमसे क्या मतलब? कहा, बस मेरा दिल चाहा कि मैं लिखूं। तमाम पब्लिशरों ने कहा, हम ये किताब नहीं छापेंगे, इसलिए कि दिखेगी नहीं, ईसाई क्यों खरीदेंगे ये किताब? और तुम ईसाई हो तो मुसलमान तुम्हारी किताब क्यों खरीदेंगे, एक ईसाई की लिखी किताब। उदास हो गया, उदास होकर अपने चर्च में जाकर बैठ गया। चर्च में बैठा था, लान में अपनी सीट पर बैठा था कि एक बार दरवाजा खुला चर्च का और पादरी बाहर आया। पादरी उसे पहचानता था, इसलिए कि रोज वो चर्च आता था। पादरी करीब आया और उसकी सीट पर, बेंच पर बैठ गया। का उदास क्यों हो? का उदासी की वजह यह है, बड़ी मेहनत से किताब लिखी थी मैंने, हर पब्लिशर ने मना कर दिया, छापने को तैयार नहीं है। पादरी ने पूछा, किस मौजू पे तुमने किताब लिखी है? कहा, हमने अली पर किताब लिखी है। पादरी ने कहा, अच्छा, अली जो मुसलमानों के खलीफा हैं? कहा, कहा तुमने उन पर क्यों किताब लिखी? कहा, हम ईसाइयों पर उनके कुछ एहसानात थे, हम वो उतारना चाहते हैं, हम वो उतारना चाहते हैं। काली ने ईसाइयों पे क्या एहसानात किए? का अली ने अपने दौर में ईसाइयों के चर्च नहीं तोड़े, उनकी इबादत नहीं रोकी, इसलिए कि मुबाहले के बाद ये मुहायदा रसूल अल्लाह से हुआ था कि पादरियों को और चर्च को परेशान नहीं किया जाएगा, हमें ममलिकत इस्लामी में अमन के साथ रहने दिया जाएगा। लेकिन इस पर अमल ना हो सका। जब अली आए अपने दौर में तो अली ने इस पर अमल किया, ईसाइयों की ज़मीनों को महफूज रखा, उनसे ज़मीनें नहीं छीनी गईं, उनके बागात नहीं छीने गए। ये अली का हम पर एहसान है, मुहायदा मुबाहले का रखा हुआ है, हम चाहते थे ये एहसान उतार दें। पादरी फिर चर्च में वापस गया, कुछ रकम हाथ में लिए हुए आया, कि ये रकम हम तुम्हें देते हैं, किताब छापो, किताब छापो, जब तुम्हें पैसा मिल जाए तो चर्च का पैसा वापस कर देना, हम चाहते हैं ये किताब छपे। वो किताब छपी, उसका नाम था निदाए अदालत इंसानी, इंसानियत की अदालत की आवाज, लाहौर की अदालत की आवाज नहीं, इस्लामाबाद की अदालत की आवाज, इंसानियत की अदालत की आवाज, इंसानियत की अदालत की आवाज। और उसने किताब को इस तरह शुरू किया, क्या तुमने देखा है कोई ऐसा हाकिम दुनिया में कि जो सोता ही नहीं रात को जब तक ये पता न चल जाए कि मेरी ममलिकत में कोई भूखा तो नहीं सोया? जब तक उसने सबको रात में रोटी नहीं पहुंचा ली वो सोया नहीं, जब तक सबको मकान न दे दिया वो मकान में नहीं रहा, जब तक उसने पूरी ममलिकत में लिबास न बांट दिए उसने कभी नया लिबास नहीं पहना, पुराने लिबास पहने रहा और जौ की रोटी खाता रहा। अरे उसके दौर में पूरे ममलिकत इस्लामी में कभी चोरी नहीं हुई, लोग अपने घर में ताला नहीं डालते थे, इसके के चोर नहीं था, सबको मालूम था कि ये अदालत इंसानी अली की जो है चोर को तलाश कर लेगी, अली की निगाहें चोर को बचने नहीं देंगी। अली का 2.5 साल का ममलिकत इस्लामी में एक बार भी जिना नहीं हुआ,
कोई जानी अली के सामने नहीं लाया गया। जो आप फैसले अली के पढ़ते हैं, ये पहली दूसरी और तीसरी हुकूमत की बात है जब अली के लिए कहा जाता है मशवरे को बुलाया गया। वो कहता है ऐसी सल्तनत दुनिया में न कायम हुई थी और न कायम होगी। अगर मुसलमान चाहें तो इसे नमूना बना लें तो पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। क्या चिड़ क्या है अली से, बगैर बताए आइन ले लो को हमने बनाया है और आज कर दो। अरे आइन से क्या दुश्मनी है, इसलिए कि ईसाई कब ये कहते हैं ये अली का आइन है। उसूल अली के ले लिए, उसूल सारे अली के ले लिए। आप देखिए हद ये है, एयरपोर्ट पे उतरिए कोई सामान नहीं देखा जाएगा। कुत्ता आया उसने सूंघा वो चला गया। एक जानवर ने फैसला कर दिया कि इसके पास ना हेरोइन है, ना कलाशनकोफ है, ना बंदूक है, ये कोई जुर्म वाली चीज लेके नहीं आया। कुत्ते ने बता दिया, उन्हें यकीन आ गया ये कहां से आया। अरे अदना गुलाम अली का सलमान फारसी हजरत उमर ने कहा मदाइन का गवर्नर बना के आपको भेजते हैं। सलमान घबरा गए, अली के पास गए, कहा क्या ये भी अजाब मेरे ऊपर आएगा कि मैं गवर्नर बनूंगा। अली ने कहा जाओ, इसलिए गवर्नर तुम्हें बनाया जा रहा है कि जब रसूल की वफात हुई तो तुमने दिल में कुछ देर के लिए सोचा था कि अली ने तलवार क्यों नहीं निकाली, ये उसकी सजा है। खुदा न करे कि किसी के दिल में अली जैसा शक आए और वो गवर्नर बना दिया जाए, वजीर आला बना दिया जाए, वजीर आजम बना दिया जाए, सदर बना दिया जाए। हर जगह शक है, जहां शक है मिट्टी का लोटा लेकर थाई क्या मस्जिद में रहते थे, पास एक लोटा था तहारत के लिए, ऊंट पे बैठे मदाइन पहुंचे। अब जो अंदर दाखिल हुए लोग आए, ये कौन मुसाफिर आ गया, का मुसाफिर नहीं मैं गवर्नर बनाकर मदाइन का भेजा गया हूं। लोग हंसने लगे, कब बड़े बड़े गवर्नर आए हमने उन्हें ठहरने ना दिया। मदाइन ने शिकायत की थी कि कोई गवर्नर ठहर नहीं पाता था, इसलिए कि जराइम इतने होते थे, जहां जराइम होते वहां गवर्नर और वजीर आला कुछ नहीं कर पाता। अब सलमान को भेजा गया, काश हमारे सिंध में भी कोई सलमान फारसी आ जाए, तब इस तक इसी चटाई पे लेटेंगे। का इंतजाम आप अकेले कैसे करेंगे, कहा तुम लोग जाके सो जाओ हम इंतजाम कर लेंगे। रात आ गई, एक बार नमाज पढ़ के सलमान फारसी उठे और जंगल की तरफ चला। जब जंगल में पहुंच गए आवाज दी, ऐ मखलूक खुदा अली का गुलाम सलमान तुम्हें बुला रहा है। सारे कुत्ते दौड़ते हुए आए, सारे कुत्ते दौड़ते हुए आए और ज़बाने निकालकर सलमान के सामने हांफने लगे। सलमान फारसी ने फरमाया ऐ मखलूक खुदा आज शहर का निजाम तुम्हारे सुपुर्द है। ये कह के वापस आ गए और तमाम नमाजियों से कहा घर से ना निकलना, ऐलान कर दो चोर डाकू आज की रात निकले ना, मैंने इंतजाम कर दिया। खूब ठट्ठे लगाए और सब चले गए कि रात को दरवाजे खोलकर देखें तो सलमान ने इंतजाम क्या किया है। डाकू ठट्ठे लगा के आए, चोर मजाक उड़ा के आए। अब जो सुबह हुई मदाइन की गली गली में लाशें पड़ी थी और टांगे चीर चीर के कुत्तों ने डाल दिया था, कुत्ते वापस चले गए, कुत्ते वापस चले। सलमान फारसी ने नमूना दिखा दिया, अंग्रेजों ने बात ले ली कि ये बहुत हसास जानवर है, ये काम कर सकता है, ये काम कर सकता है। भाई आप चलिए तो अली के नक्शे कदम पर चलिए, अली का पैगाम पहुंचाइए, देखिए अमन हो जाएगा।